राहुल, सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। एक तो आजकल झींगा मछली बेची लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए, 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है, झींगा मछली तो आजकल भैंसी खाने को नहीं मिल पा रही है, क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा इन झींगा मछली को, ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 85 रुपए किलो बता रहा है, इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती ये झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहे ना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके, समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो, मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी, राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो, जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो, मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते, तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको रोको मोदी जी, साइकिल रोको, अपनी साइकिल रोको रोको। अरे रोक तो ली योगी जी, रोक तो ली, बोलो क्या बात है, क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ जो बात तुम कहना चाह रहे हो, समझ तो रहा हूँ मैं। अरे मोदी जी समझ सब रहे हो, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। मेरे पैसे कब लौटाओगे तुम? अरे पूरे 6 महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए, बताओ कब लौटाओगे? कब तक इंतजार करूं मैं अपने पैसों का? अरे योगी जी, मोदी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्यों बहस कर रहे हो, क्या माजरा है, हमें भी तो बताओ कुछ। और मोदी जी एक मलाई वाली जरा आइसक्रीम दे देना। अरे अखिलेश क्या बताऊं, 6 महीने पहले इन मोदी जी ने मुझसे 250 रुपए उधार लिए थे अपनी आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए, अब 6 महीने हो गए ये पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्होंने कहा था 1 महीने में मैं पैसे दे दूंगा जब आइसक्रीम का धंधा मेरा सही चलने लगेगा। इन्होंने आइसक्रीम से कम 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। अब योगी जी तुमने कह ली अपनी बात, कह ली, अब मैं बताता हूँ अखिलेश सुनो। अरे मैंने आइसक्रीम का धंधा चालू करने के लिए इनसे 250 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन मेरी आइसक्रीम भी सारी की सारी उधार बटी हुई है, सब लोगों ने उधार लिए है, अब मुझे हल्के हल्के पैसे मिलते रहेंगे, इनके चुका दूंगा। इन्हें लग रहा है मैं 1000 रुपए कमा के बैठ गया, 1000 रुपए मेरे बिके जरूर हैं, लेकिन वो सब उधार फैला हुआ है। वो देखो सोनिया गांधी जी बैठी हुई है, उनपे भी मेरे 50 रुपए उधार है, वो भी देने का नाम नहीं ले रही है। और अखिलेश मलाई वाली आइसक्रीम तो है नहीं, ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली लोगे? और राहुल तुम मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे क्या झांक रहे हो, क्या खोलना चाह रहे हो उसे? हटो हटो पीछे मेरी आइसक्रीम की पेटी के पास से। अरे मोदी जी कच्चे आम वाली एक आइसक्रीम है जो परसों लाए थे तुम, बहुत खट्टी थी, बहुत ही मजेदार, वो ही दे दो अगर है। हैं तो कच्चे आम वाली आइसक्रीम, लेकिन परसों ही के पैसे नहीं मिले, तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, अब मैं तुम्हें और दे के फंस जाऊं उधार, समझे? मैं उधार नहीं दूंगा, सामने देख नहीं रहे हो योगी जी मुझसे उधार मांगने को खड़े हुए खोपड़े पे। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, तुम्हारे 50 रुपए उधार है, तुम्हारे 50 रुपए सोने के हैं, ये 5 रुपए की और दे दो इसे राहुल को, तुम्हारे 55 रुपए हो जाएंगे, दे दूंगी मैं जल्दी।
अरे मोदी जी, तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना धंधा कर रहे हो, आइसक्रीम बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ बेफालतू में खड़ा हूँ? अरे मेरे पैसे को ना दो, आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। योगी जी, कैसी बेतुकी बातें करते हो, अभी तुमने देखा नहीं, सोनिया जी पे मेरा यहाँ पर तुम्हारे ही सामने 50 रुपए उधार है, ऐसे जाने कितने लोगों पे उधार है, इनसे मिलेंगे पैसे, मैं तुम्हारा निपटा दूंगा, दे दूंगा उधार। अरे योगी जी, इतने बेरहम भी मत बनो, इतनी सख्ती से पैसे मत मांगो। तुम्हें ध्यान है 2 साल पहले तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे, तुमने मुझे वो 1.5 साल में पैसे लौटाए थे, मैंने कोई सख्ती से मांगे थे तुमसे? अरे उनका पैसा फैला हुआ है सब में, मोदी जी का, तुमने अभी अपने सामने ही देखा, सोनिया गांधी पे 50 रुपए उधार है उनके, और आज राहुल गांधी ने जो अभी 5 रुपए की आइसक्रीम ली है वो 55 रुपए हो गए, ऐसे जाने कितने उधार है उनके, मिलेंगे वो तुम्हारे, चुका देंगे। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी जी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप अब आए हो। अरे बहन सोनिया जी, एक तो आपका घर नहीं मिल रहा था इस गांव में, और शहर से आने में वक्त लगता है, एक तो आपके गांव में शहर से आने के लिए कोई बस या ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है, वो तो ये कहो ये शहर में एक बैल इधर उधर फिर रहा था, इसी पर बैठकर मैं चला आया, और यहाँ गांव में आने के बाद आपका घर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन मोदी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया था कि गांव के पूरब में सबसे पहला मकान मेरा ही है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर गांव में घूम रहे थे। एक तो मुझे इस बैल से डर बहुत लग रहा है, इस बैल को अलग खड़ा करो, इसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ये बैल मारने ना लगे। अरे बहन सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो, ये जानवर है, जानवर को जितना ज्यादा प्यार करोगे वो भी अपनों को उतना ही प्यार करेंगे, ये तुम्हें क्यों मारेगा, इसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। एक तो देखो मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए, अब मैं इसी बैल के ऊपर तो बैठ के आया हूँ। चलो वो सब छोड़ो, अब एक बात बताओ, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने लिए आपको नहीं बुलाया, ये देखो नीचे उतर के आओ इस बैल से, ये राहुल लेटा हुआ है, इसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे मैंने घर के बाहर देखा ही नहीं राहुल ये नीचे लेटा हुआ है जमीन पर, राहुल क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? मोदी जी पैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, और वो तो मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अरे बहन सोनिया जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है, राहुल बताओ तुमको क्या दिक्कत है? मोदी जी कोई खास दिक्कत नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा दिन खाते ही रहो। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाते रहो और सेहत बनाओ। अरे मोदी जी, घर का जितना अनाज था इस बार का सारा अनाज ये खा गया, आप सेहत बनाने की बात कर रहे हो? अरे राहुल को एक ऐसी गोली दे दो जिससे इसे भूख कम लगे, ये इतना खाना खा रहा है कि सारा का सारा घर का राशन खा गया। मम्मी जी, आपको मेरे खाने से बहुत दिक्कत रहती है, अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो क्या हो गया, आपने बेपालतू में मोदी डॉक्टर साहब को शहर से बुला लिया। वैसे मोदी जी, एक दिक्कत मुझे बहुत है, सर्दी के दिनों में बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई है ऐसा लगता है पानी पीते ही रहो। बेपालतू की बात मत करो, मेरी फीस दो और मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों, वीडियो को